अगर आपने एवरीथिंग टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो गाइस, मैं विवेक और मैं आज आपको इजीएस्ट वे बताऊँ जिससे आप मी यूआई 9 अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को विदाउट मी के परमिशन के, और आपको फ़ोन रूट भी नहीं करना पड़ेगा। सो आपको कोई फ्लैश नहीं करना इसमें, ये इजीएस्ट वे है, आपको कंप्यूटर का भी काम नहीं लगेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक अपना ब्राउज़र सेलेक्ट करना है जिससे आप डाउनलोड करो और जिससे आपको पता हो, क्योंकि ये 1.2 GB की फाइल है, कि अगर बीच में कनेक्शन इशू हुई थी तो वो वापस रिज्यूम करने का कैपेसिटी रखता हो। जैसे मैं क्रोम करता हूँ, ये मेरा ट्रस्टेड है, तो आपको ये फायरफॉक्स है, आपको लिखना है यहाँ पर मी डाउनलोड, आपको सर्च करना है। सो आपको ये पहला लिंक मिलेगा en.miui.com/download.html, तो इस पर क्लिक करना, और जिनको नहीं मिलेगा मैं उनके लिए लिंक डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप क्लिक करोगे पहुँच जाओगे। अगर आप डिवाइस ओपन करोगे तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि वो कंप्यूटर वर्जन में ओपन करना चाहता है। सो यहाँ पर आपको रेडमी नोट 3 सेलेक्ट करना है। सो जैसे रेडमी नोट 3 मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर रेडमी नोट 3 आ गया। मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखोगे जैसे आप ऊपर देख रहे हो Redmi Note 3 Qualcomm Global, ये हमारा है, हमें Redmi Note 3 Qualcomm China नहीं लेना और स्पेशल एडिशन भी नहीं लेना है। तो आप देखोगे आप स्टेबल रॉम है और डेवलपर रॉम है, ठीक है। तो हम डाउनलोड करेंगे डेवलपर रॉम को, क्योंकि डेवलपर रॉम में मी यू आई 9 है, सो ये 100% सेफ है। सो आपका ऐसे लिख गया डाउनलोड स्टार्टेड, तो देखो आपका डाउनलोड यहाँ शो करेगा, और मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ या फिर स्किप कर देता हूँ, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो डाउनलोड में थोड़ा टाइम लगेगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरी डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, मैंने 12:45 में स्टार्ट किया था, अभी टाइम ऑलमोस्ट 12:50 हो रहा है। सो मैंने ये डाउनलोड कर लिया, अब ये डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें अपडेटर ऐप में जाना है हमारे, हम अपडेटर ऐप में जाएंगे। सो यहाँ पे देख लो जैसे कोई अपडेट नहीं है, मैं लेटेस्ट 8.5.6.0 पे हूँ। सो हमें यहाँ पे क्लिक करके चूज़ अपडेट पैकेज करना है, और हमने अपडेट पैकेज चूज़ किया, हमें फिर डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में देखोगे आपने जो डाउनलोड किया वो यहाँ पे आ जाएगा, आप क्लिक करना है, रोके करना है। तो एक्चुअली MIUI ने कुछ पॉलिसी में चेंजेस किया अपने, जिससे हम स्टेबल टू डेवलपर में जा सकते हैं और डेवलपर टू स्टेबल में आ सकते हैं। बैकअप कर लेना, आपका डाटा सेफ रहेगा, तो बैकअप आप ध्यान से कर लेना। देखो यहाँ पे डिक्रिप्टिंग स्टार्ट हो गई है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्रिप्टिंग स्टार्ट हो गई, तो फ़ोन ने हमारा सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे डिक्रिप्ट हो रही है, और डिक्रिप्ट होने के बाद हमें ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा या अपडेट का ऑप्शन देगा। सो देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 90% डिक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। सो हमें अपने डाटा को फुली बैकअप कर लेना है पहले। जैसे ही हम ये डिक्रिप्शन कंप्लीट होगा तो आप देखोगे इरेज एंड अपडेट का ऑप्शन, सो हमें इरेज एंड अपडेट कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, पहले हमें डाटा को फुली बैकअप कर लेना है, फिर हमें इरेज एंड अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अपडेट करेंगे हमारा फ़ोन रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद हम MIUI 9 डेवलपर वर्जन में चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।